ये मोबाइल 2015 में लॉन्च हुआ था एंड इवन ऑन दिस मोबाइल इस पर भी मैं एसी वेलहेला खेल के आपको दिखा रहा हूँ। फॉर अ सेकेंड इमेजिन कि ये जो कंप्यूटर है ये 10,000 का लैपटॉप है जिसका प्रोसेसर एक मोबाइल के प्रोसेसर से भी वीक है। सो इस पर आप देख सकते हो एसी वेलहेला रन कर रही है। आई प्रोमिस यू अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे इवन यू विल बी एबल टू रन एसी वेलहेला ऑन योर 10,000 रुपीज लैपटॉप। बट वट इफ आई डोंट हैव अ लैपटॉप, वेल देन यू कैन प्ले ऑन योर मोबाइल फोन। ये मोबाइल 2015 में लॉन्च हुआ था एंड इवन ऑन दिस मोबाइल इसमें एक टेंपल रन नाम की गेम भी नहीं रन करेगी, इस पर भी मैं एसी वेलहेला खेल के आपको दिखा रहा हूँ। वेल व्हाट इफ आई डोंट हैव अ फोन, वेल देन ये टीवी जिसमें अमेजोन प्राइम का ऐप भी हैंग मारता है इस पर भी मैं आपको एसी वेलहेला खेल के दिखा रहा हूँ। देखो यार, गेमिंग हर कोई करना चाहता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम बंदों का दिल टूट जाता है ये जान के कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी कम है गेम की एंड लोग कई सारी ट्रिक्स यूज करते हैं टू प्ले दैट गेम। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ बेटर अल्टरनेटिव then doing all those tricks using all the low graphic mode and stuff like that. Keep watching the video and let me show you. So abhi tak aapko ek cheez to clear ho gayi hogi that you don't need a powerful device to accomplish your dream of playing AAA games. Aapko ek basic display ki zarurat hai and ek decent internet ki zarurat hai. Main video ki starting mein ye batakar spoil nahi karunga ki ye kaise chutkiyon mein possible hai, but I will definitely explain in the course of the video. So let's begin. Gaming हमेशा से एक privileged hobby रही है. Not everyone can afford gaming consoles या gaming PCs. सबसे पहले या तो आपको कोई gaming console लेना पड़ेगा decent या कोई gaming PC build करना पड़ेगा या फिर आपको Asus का rogue phone लेना पड़ेगा if you are into that. The simple truth is it is not affordable for 90% of the general population in India. But thanks to capitalism, there is a way in 2021 to play these games on your weak hardware too. And I am not talking about weak games like Candy Crush, Temple Run or Hill Climb Racing. मैं super powerful games की बात कर रहा हूँ. Games जिनको run करना एक high-end PC पर भी extremely hard होता है. Games like AC Valhalla, Cyberpunk, AC Odyssey, huge AAA games को भी आप इस video को देखने के बाद अपने weak computer पर run कर पाओगे. This all is going to be possible due to cloud gaming. Cloud gaming एक naturally occurring phenomena है जिसको scientists ने अब जाके decipher किया है. Cloud gaming का concept बहुत simple है. इसमें clouds जब भी form होते हैं आपके आसमान में, उन clouds से जो RTX 10,000 graphic card की gamma rays हैं, उनको control करके आपके computer में send किया जाता है ताकि आप अपने weak computer पर भी high-end games run कर पाओ. फिर cloud gaming एक ऐसा concept है जिसमें एक बहुत बड़ी company या corporation बहुत सारे कंप्यूटर्स बिल्ड करके अपने कमरे में रखती है एंड आपको चांस देती है टू कंट्रोल दैट कंप्यूटर थ्रू योर फोन, थ्रू योर कंप्यूटर या बेसिकली एनी डिवाइस जिसमें इंटरनेट हो. आप उस डिवाइस से उनके कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो एंड इन रिटर्न उनके कंप्यूटर की गेम अपनी स्क्रीन पे देखते हो. विच लिटरली मीन्स अगर आप अपने माउस को ऐसे करोगे तो आपके माउस का ऐसे होने वाला कंट्रोल उनके कंप्यूटर तक जाएगा और वहाँ पर करेक्टर ऐसे होगा एंड इन रिटर्न आपको वैसा दिखेगा. Which basically means आपको कुछ डिले के साथ गेम खेलने को मिल जाती है. इन अ परफेक्ट वर्ल्ड ये चीज़ फ्लॉलेस होनी थी एंड गेमिंग कंसोल्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि सब बंदे क्लाउड गेमिंग करते. बट सैडली वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां पर ड्रीम इलेवन को एक ई स्पोर्ट्स टाइटल माना जाता है एंड पबजी मोबाइल को वर्ल्ड की बेस्ट गेम माना जाता है. दैट्स वाई देर आर सम मेजर इशूज विद क्लाउड गेमिंग टू. क्लाउड गेमिंग के कुछ स्वदेशी रूप भी हैं जिन जैसे कि गेमिंग प्रोजेक्ट, डूफी, वोटेक्स, ये सब इंडियन मेड कंपनीज हैं एंड आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट देम. बट द ट्रूथ इज देयर सर्वर्स आर नॉट दैट ग्रेट. अगर सर्वर्स अच्छे हैं इनके पास गेम्स अवेलेबल नहीं है. अगर गेम्स अवेलेबल हैं तो इनके प्राइसिंग बहुत स्टूपिड है. ऑल्सो इट डज नॉट हेल्प कि जो इंटरनेशनल क्लाउड गेमिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया पर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं, इसीलिए हमको उनको एक्सेस करने के लिए कुछ जुगाड़ यूज़ करने पड़ते हैं लाइक यूजिंग अ VPN, विच मीन्स आपको गेम का डिले थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिलता है. ऑल्सो देर इज़ अ कंसर्निंग फैक्टर कि आप इस तरीके से FPS गेम्स नहीं खेल सकते, स्पेशली मल्टीप्लेयर FPS गेम्स, क्योंकि इवन अपने हार्डवेयर पर गेम को रन करना, मल्टीप्लेयर गेम को रन करना, और अगर थोड़ी सी पिंग ज़्यादा हो जाए तो उसमें ही इतना इशू होता है, तो इमेजिन करो जब आप किसी और के कंप्यूटर पर अपने मोबाइल से कंट्रोल करोगे एक FPS गेम को तो वो कितना डिसगस्टिंग एक्सपीरियंस होगा. सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रेकमेंड कि आप एक मल्टीप्लेयर FPS गेम को ट्राई करो एक क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म पर. बट हे, इफ यू वांट टू यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. बट वी ऑल नो दैट बेगर्स कांट बी चूजर्स एंड जो लोग अपने वीक कंप्यूटर्स पर गेम्स को रन करने के लिए लो ग्राफिक मोड यूज करते हैं ना, उनके लिए रनिंग द गेम ऑन अ क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म इज 100% अ बेटर अल्टरनेटिव. फॉर क्लाउड गेमिंग वी विल बी यूजिंग GeForce Now NVIDIA की सर्विस है जो कि आपको क्लाउड गेमिंग प्रोवाइड करती है एंड नो वे इज दिस द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाउड गेमिंग. इसमें काफी सारे इश्यूज हैं विद द बिगेस्ट बीइंग कि ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ है, इसीलिए आपको VPN सर्विस यूज करनी पड़ेगी एंड आपको इंटरनेट काफी ज्यादा फास्ट चाहिए. एटलीस्ट 50 MBPS तो मिनिमम लेकर ही चलो, उतना फास्ट इंटरनेट एटलीस्ट
एटलीस्ट आपको चाहिए। बट आई वुड स्टिल से अगर आपके पास एक MBPS का इंटरनेट भी है तब भी आपको ये चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी क्यूरियोसिटी तो दूर होगी एंड मे बी क्या पता आपको वो 1 MBPS का एक्सपीरियंस भी डिसेंट लगे आपके लिए एंड आपको गेम खेलने में मजा आए। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी भी है एक बार जरूर ट्राई करो। द रियल क्वेश्चन इज व्हाई एम आई यूजिंग GeForce नाउ? वेल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ फ्री सर्विस, स्पेशली जब वो इंडिया में ही लॉन्च नहीं हुई है। एंड सेकंड ऑफ ऑल GeForce नाउ से बेटर एक्सपीरियंस इंडिया में आपको और कोई सर्विस नहीं दे सकती, इवन दो ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, व्हाई नॉट यू डू अ टू स्वीट ऑन द लाइक बटन। देर आर सम डिसेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको चाहिए ये गेम्स रन करने के लिए। प्रेफरेबली आपको 50 MBPS का इंटरनेट चाहिए, सबसे पहले एक एंड्रॉइड डिवाइस चाहिए या PC चाहिए या एक स्मार्ट TV चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए एक VPN सर्विस एंड ये कंपलसरी स्टेप है, इसके बिना नहीं रन करेगा। एंड एज यू ऑल नो VPN ना ही फ्री होते ना ही चीप होते हैं, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड अ फ्री सॉफ्टवेयर फॉर यू गाइज VPN का, उसका नाम है ProtonVPN। इसमें आपको बस एक अकाउंट बनाना है एंड आप फ्री में नीदरलैंड के सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो, विच मीन्स आप नीदरलैंड के सर्वर से गेम खेल सकते हो। बट द कैच इज ये फ्री VPN है तो इसकी स्पीड बहुत स्लो है एंड आपको गेम खेलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट अगर आप वीडियो के साथ बने रहो तो मैं एक छुपी हुई हिंट जरूर बताऊंगा जिससे आप VPN वाली इशू को भी फिक्स कर सकते हो फॉर फ्री। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट जो कि स्किप मत करना एंड हो सकता है आप कई बंदे ये वीडियो भी छोड़ जाएं, वो ये है कि आपके पास गेम खरीदी होनी चाहिए ऑन स्टीम, एपिक या फिर यूबीसॉफ्ट की जो सर्विस होती है यूबीसॉफ्ट कनेक्ट। अगर आपने गेम्स इन तीनों में से किसी स्टोर पे नहीं खरीदी है, GeForce Now से गेम खेलना चाहते हो, देन दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि GeForce Now एक वर्चुअल कंप्यूटर की तरह रख लो जिसमें आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो गेम्स वाले, ना कि आप फ्री में गेम्स खेल सकते हो। बट अगर आप वीडियो के साथ बने रहो, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको गेम्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी एंड आप गेम्स खेल पाओगे। आपके पास ये सब चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं रिक्वायरमेंट्स, then you can proceed to the next step in the video. जो आगे का step है वो काफी ज्यादा easy है, कुछ भी technical नहीं है इसमें, आपको बस GeForce का app download करना है, link description में डाल दूंगा मैं Android के लिए भी and PC के लिए भी। जब ये download हो जाए आपको इसमें account बनाना है, आप अपने Google या Facebook के account से भी connect कर सकते हो। उसको बनाने के बाद उस account में आपको अपना Steam connect करना है जो कि one click में हो जाता है अगर आप setting में जाओ अपने GeForce Now की। वंस दैट इज डन आपको प्रोटोन VPN ऑन करना है, प्रोटोन VPN कनेक्ट करना है एंड आपको दोबारा से GeForce Now को ओपन करना है। उसके बाद आपको अपनी गेम पे क्लिक करना है, प्ले पे क्लिक करना है एंड अब आपको मैजिक दिखेगा, क्योंकि ना ही आपको कोई गेम डाउनलोड करनी है, ना ही आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखनी है अपने कंप्यूटर की, आप लिटरली गेम को अल्ट्रा से मैक्स सेटिंग्स पे रन कर सकते हो। देयर विल बी नो इश्यूज, कोई FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आप चाहो तो रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो, यू कैन गो ऑल द वे फ्रॉम 240p टू 4K एंड देर इज़ अ ट्रिक जिससे गेम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी एंड वो ये है कि आपको बस सेटिंग में जाके अपने रेजोल्यूशन को कम करते जाना अगर आपका नेट स्लो है, तो गेम में डिले कम देखने को मिलेगा। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने प्रोटोन VPN यूज़ किया फ्री वाला तो आपको बहुत ज़्यादा इशूज मिलेंगे नेटवर्क में, तो आपको इस गेम के इशूज को फिक्स करने के लिए नेटवर्क वाले क्या करना है, जैसे ही वंस गेम स्टार्ट्स आपको प्रोटोन VPN में जाना है एंड प्रोटोन VPN को डिसकनेक्ट करना है एंड आपकी गेम परफेक्टली रन करेगी, एटलीस्ट उतनी स्पीड पे करेगी जितना आपका नेट एक्चुअली में प्रोवाइड करता है एंड VPN के भरोसे नहीं रहेगी। GeForce Now का जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल भी 100% परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट अभी के हिसाब से तो नहीं है, बट आई डेफिनेटली बिलीव अगले 4 साल में जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा दिस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर इंडियंस, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं कंसोल्स खरीदने को, तो हमारे लिए ये बेस्ट चीज़ है, हम बस डायरेक्ट गेम खरीद कर GeForce Now से खेल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि गेम नहीं खरीदने के पैसे हैं फिर कैसे GeForce Now पे खेला जाए, क्योंकि देखो आप इसमें गेम्स क्रैक में नहीं डाउनलोड कर सकते, नॉट दैट आई रेकमेंड, बट आप चाहकर भी नहीं कर सकते हो ये चीज़, देर इज़ नो वे कि आप इसमें फ्री में गेम खेल पाओ। बट आपको पता होगा एपिक गेम्स टाइम टू टाइम फ्री में गेम्स देती है, बड़ी बड़ी गेम्स देती है, लास्ट ईयर उन्होंने GTA 5 दी थी, इस साल उन्होंने कंट्रोल गेम दी फ्री एंड कंट्रोल गेम इसमें अवेलेबल है। जिस भी महान बुद्धि ने वो गेम पहले ही अपनी लाइब्रेरी में डाल के रखी होगी ना, इवन दो उसके पास गेमिंग कंप्यूटर नहीं है फिर भी अगर दिमाग लगा के आपने डाल दी होगी, देन यू कैन यूज़ दैट अकाउंट टू प्ले कंट्रोल फॉर फ्री। ना आपको GeForce Now के पैसे देने हैं, वो फ्री ही है सर्विस, ना ही आपको कंट्रोल गेम के दे रहे हैं क्योंकि आपको फ्री में मिली है। अगर आप में से किसी ने गेम्स नहीं वहां से ली थी, रिडीम की थी फ्री में, तो आप एपिक गेम्स के साथ जुड़े रहो हमेशा, उसका ऐप अपने मोबाइल में या कहीं पर डाउनलोड करके रखो या कोई सोर्स रखो न्यूज़ का, क्योंकि एपिक गेम्स हर वीक कुछ ना कुछ गेम फ्री देता है एंड बड़ी सेल्स में AAA गेम्स फ्री देता है, तो उन गेम्स को ऐड करते रहो एंड GeForce Now पे खेलते रहो जाके, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन एडवाइज यू फॉर प्लेइंग द गेम्स फ्री ऑन GeForce Now। अदरवाइज अगर आपको इसमें अच्छी सर्विस मिल रही है, आपका नेट डिसेंट है
एंड आपके पास पैसे नहीं है कंसोल खरीदने के या पीसी, तो आप एक्चुअली में गेम्स खरीद सकते हो 500-600 रुपए की स्टीम में। अभी स्टीम में समर सेल चली है, खतरनाक डील्स है, यहाँ दबा के आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड वंस यू ओपन दैट वीडियो, उसमें जितनी गेम्स में आपको बेस्ट डिस्काउंट दिख रहा है वो आप परचेज कर लो, जी फोर्स नाउ में जाकर खेल लो, सिंपल। सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू स्वीट।